चलो बात करते हैं बेटा आगे। कहाँ तक बताया था? स्प्रिंग चल रहा था क्या? जस्ट शुरू किया था। अच्छा, अब स्प्रिंग है, सीरीज में लगी है। कैसे लगी है? अभी देखो, ये मेनली एस एच ए में बताऊंगा। अभी केवल आपको जो क्वेश्चन एक आग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है वो आपके निकल जाए। सीरीज में लगे होने का मतलब है बेटा, ये स्प्रिंग लगी है, दो अलग अलग स्प्रिंग है, ये कैसी है? सीरीज में। इस पे लगाया फोर्स, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो इक्वल फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा, लेकिन एक्सटेंशन अलग अलग होगा। पूछो क्यों? जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका एक्सटेंशन कम होगा, और जिसका स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा। तो सीरीज में क्या कांस्टेंट लगता है बेटा? सीरीज में फोर्स कांस्टेंट होता है। किस में? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। लेकिन वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है एक्सटेंशन। बोले सर सीरीज का और एग्जांपल बता दो। लो, ये जो एग्जांपल अगला है बेटा सीरीज का ही है। ये सीरीज का एग्जांपल नहीं है, क्लियर हो गया? ये सीरीज में होता है। यदि यही पैरेलल में हो बेटा, ठीक है। अच्छा, छाप लो फिर पैरेलल बताएं। लिखो जल्दी। वेरिएबल एक्सटेंशन आर कंप्रेशन। यदि हम इधर फोर्स लगा दें, कंप्रेस हो रहे हैं, तो कह देगा वेरिएबल एक्सटेंशन आर कंप्रेशन। हो गया बेटा? चलो, अच्छा अगला देखो। अगला कौन सा है? पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या होगा बेटा? तो सर पैरेलल कैसे हो सकता है? देखो, ये पैरेलल होगा। अब इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन क्या होगा? बराबर होगा। मान लो हमने फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है। बोले पैरेलल वैसे ऐसे हो सकता है? ये क्या है? पैरेलल है। अच्छा, ये फिर बताओ क्या है? ये भी पैरेलल है। पैरेलल है, बताओ कैसे बेटा? इसको दबाओ इधर, जितना ये दबेगा उतना ये एक्सटेंट होगा। समझ में आ गया? ऐसे कभी मत सोचना कि ये सीरीज ही है, ये भी क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या बराबर होता है बेटा? इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन
सेम होता है। एक्सटेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, ये कैसा होता है बेटा? बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग है बेटा, के वन के टू के थ्री है, ठीक है, के वन के टू के थ्री, तो इसमें फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स वेरिएबल होगा। स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा। क्लियर है? दिखाई देता है कि ज्यादा छोटा लिखा गया है? माइक्रोस्कोपिक तो नहीं हो गया बेटा? दिख रहा है आराम से? अच्छा, थोड़ा सा नोट पॉइंट में दो चीज करा दे रहा हूं, ठीक है? रब करो बेटा, नोट पॉइंट में लिखना इसको। अभी तक मैंने जितना भी आपको कार्ड बताया था वो कैसा था? मसलेस था, याद है? अब कभी क्वेश्चन में, खैर ये आपके 11th में तो नहीं आएगा, ये आएगा तो नीट के अच्छे क्वेश्चन में आएगा या फिर IIT में आएगा। क्या हुआ कि एक मास है M, ये कितना मास है? मैंने ले लिया कैपिटल M। एक कॉर्ड लगा हुआ है, कॉर्ड पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक। अब ये कॉर्ड मासलेस नहीं है, आपको कॉर्ड मासलेस दिया गया था, अब यहां पे जो कॉर्ड है वो मासलेस नहीं है, इस कॉर्ड का मास है। पहले जितना फोर्स इस ब्लॉक पे लगाते थे पूरा का पूरा फोर्स ब्लॉक पे लगता था, अभी मास M है इस कार्ड का, तो कहेगा फाइंड फोर्स ऑन, ब्लॉक कैपिटल M। मैं आपको बता चुका हूं, बताऊं कैसे? इस पूरे कार्ड का मास कितना है? स्मॉल M है। अब हम ऐसे कर सकते हैं, ये कैपिटल M और ये स्मॉल M, मान लिया ब्लॉक है, और यहां लगा दिया मासलेस कॉर्ड और उस पर फोर्स। अब हमें क्या निकालना है? यही भी तो फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन कैपिटल M इज क्या होगा? एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या लिखा था? मास ऑफ ब्लॉक विच फोर्स इज नॉट डायरेक्टली, जिसपे डायरेक्टली अटैच फोर्स नहीं, तो कौन होगा? इनटू टोटल फोर्स अपॉन, टफ था ना, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ना, जहां अब कहेंगे सर इसको हम ब्लॉक कैसे मान लिए? अब बेटा आपको याद है जब इसको कटिंग करते हैं तो इसको दो ब्लॉक मान लेते हैं और बीच में मासलेस स्ट्रिंग लगा दिए, अब पता लगा कि इस स्ट्रिंग में मास है तो इसको ब्लॉक बना दिए, इससे जोड़ दिए, यही तो था, सिंपल है, नोट करो। ये कंडीशन तभी है बेटा इफ मास प्रेजेंट ऑन कॉर्ड, ठीक है?
अब कहेंगे कि इस पे फोर्स लगा रहे हैं इतना, तो इस मास का एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन कितना होगा बेटा? एक्सीलरेशन क्या होता है? F by m, तो फोर्स ये है डिवाइडेड बाय कैपिटल M को चलना है, mm कट गया, F upon m plus m, क्योंकि यही फोर्स दोनों को तो लेके चलेगा ना, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, टाइम नू करने के लिए करोगे? बोले सर टाइम नहीं करने का, टाइम ही करने का ना, ठीक। क्वेश्चन लिखो बेटा, हो गया ना। अब बलून विच मास इज कैपिटल M। अब कैपिटल M के लिए ऐसे मत लिखना, कैपिटल M ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है, कैपिटल डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सीलरेशन A, इन ब्रैकेट लिखना बेटा, A इज लेस देन G। इफ स्मॉल M मास रिमूव फ्रॉम, क्वेश्चन फिर से बोलूं क्या बेटा, हो गया ना। इफ स्मॉल M मास रिमूव फ्रॉम बलून मूव अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन A, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ रिमूविंग मास इन ब्रैकेट में लिखो बेटा, अप थ्रस्ट फोर्स इज कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? समझा दो क्वेश्चन, समझा दो फिर करोगे। एक बलून है बड़ा सा है, एफ ऑफ थ्रस्ट ऊपर लगेगा जिससे ये ऊपर उड़ेगा, नीचे क्या लगेगा? एक बलून है, इसका मास है कैपिटल M और ये नीचे आ रहा है A से, A इज लेस देन G। अच्छा, अब यही बलून है बेटा, इसमें से हमने M मास निकाल दिया, तो इसका मास अब कितना बचा? F अप थ्रस्ट कांस्टेंट है और ये अब ऊपर जा रहा है A से, तो रिमूविंग मास मतलब स्मॉल M की वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। बोले सर इससे कैसे आसान है, बनाओ फटाफट, इसका वैल्यू तो सब लोग निकालो बेटा, संडे टेस्ट की तैयारी चल रही है, अच्छे से
बेटे जितना पढ़ लिए हो ना उसमें गलत मत करो, जो नहीं पढ़ाया गया है उसकी टेंशन मत लो। अब जैसे अगला टेस्ट आएगा तो उसमें बायोलॉजी में जो सिलेबस खत्म हो जाएगा वो नियर अबाउट मान के चलो कि कहाँ तक है, शायद सेल डिवीजन तक आ रहा है, माइक्रोमोलिक्यूलर सेल डिवीजन, तो वहाँ तक तो मुश्किल। अभी आपके बायोलॉजी में क्या चल रहा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अब इसमें साइटोलॉजी भी आ रही है, ठीक है, तो एनाटॉमी तक के क्वेश्चन गलत ना करो, बाकी क्वेश्चन रखो साइटोलॉजी के, कब कर लो, जब चैप्टर खत्म हो। और आप ये टेस्ट देते रहोगे ना तो आपको जानते हो कौन सा टेस्ट देने में अच्छा लगेगा, मॉडल टेस्ट, क्योंकि मॉडल्स में तो पीछे से सब आएगा, पीछे का 70% आपका तैयार होगा, मान लो 100% नहीं तैयार हुआ, पीछे से 70% तैयार है, 70 परफॉर्म करेंगे। टेस्ट नहीं छोड़ना बेटा, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना, और जितनी बार तुम टेस्ट छोड़ोगे ना तो टेस्ट छोड़ने के बाद तुम्हें अंदर से लगेगा कि मैंने बहुत गलत किया। टेस्ट देने के पहले कई बार ये मन करेगा कि मैं नहीं जाऊं, तैयारी कम है, लेकिन टेस्ट देने के बाद हमेशा ये फीलिंग आएगी कि अच्छा किया मैंने टेस्ट दे दिया, हमेशा बेटा ये होता है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, स्मॉल एम की वैल्यू निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है, चलो अच्छा निकालते हैं। अब जो स्मॉल एम तुमको निकालना है बेटा, तो स्मॉल एम जब निकाल रहे हो तो आगे जो आप यूज कर रहे हो उसमें स्मॉल एम नहीं आना चाहिए ना। जैसे x तुमको निकालना है तो x इज इक्वल टू 2y-3x के टर्म में नहीं लिख सकते हो ना, समझ में आया। आप किसके टर्म में निकालोगे, m के, a के, g के। अब जैसे आपको फाइंड x करना है बेटा, तो इधर भी यदि x आ गया तो टर्म कहाँ फाइंड हो पाया, बात मेरा समझ पाया कि नहीं। सिंपल है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलो देख करते हैं अपन, एकदम आसान सी बात, एफबीडी बनाओ। देखो पहली एफबीडी क्या कह रही है, नीचे क्या लग रहा है बेटा, कैपिटल एमजी लगेगा क्या। अब मैं कह दूं एमजी माइनस ऊपर क्या लग रहा है, अच्छा एफबीडी बना लो फिर खुश रहो, ठीक। चलो नीचे क्या लगा, कैपिटल एम जी, ऊपर क्या लगा एफ, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस एम ही तो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा तुम ये बताओ बेटा, मास या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव, क्या मास निगेटिव हो सकता है। चलो देखो कोई बात नहीं, तुमने क्या किया, एफर्ट किया, एफर्ट के 100 मार्क, इक्वेशन बनाया उसके 80 मार्क, ठीक है। एफर्ट, एफर्ट लेस आदमी बेकार होता है, एफर्ट करो आप, कुछ गलतियां होंगी ना, हो जाए। ये समझ में आ गया कि नहीं, इतना सही है। अच्छा इसका एपीडी बनाओ बेटा, ऊपर एफ नीचे एम माइनस एम जी, एक्सिलरेशन की डायरेक्शन। अब मैं इक्वेशन बनाऊं, चलो देखो पहला इक्वेशन क्या बढ़ेगा बेटा, एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ को इधर ले जाऊं, F इज इक्वल टू
एम जी माइनस कैपिटल एम। ये समझ में बिल्कुल आ गया। चलो सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, एफ माइनस एम माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू ए। अब ये ऊपर जा रहा है ना बेटा, समझ में आ गया, गलती पकड़ में आ गई, कहाँ गलत हुआ। अब ये स्मॉल एम थोड़ी ऊपर जा रहा है, स्मॉल एम तो नीचे गिर गया, ऊपर जा रहा है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू ए। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं, पूरा खोलूं, तो एफ माइनस एम जी प्लस एम जी, कितने लोग बदहोश हो गए होंगे, नहीं माइनस को मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस प्लस हो गया, इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए। अच्छा एफ की वैल्यू मैं रख सकता हूं क्या, एफ की वैल्यू क्या है बेटा, एम जी माइनस एम ए, ये तो एफ की वैल्यू हो गई, माइनस एम जी प्लस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम। कुछ कट पिट रहा, बोले हाँ सर कट रहा। इस माइनस एम ए को इधर ले जाऊं क्या प्लस हो जाएगा क्या, इस माइनस एम ए को इधर ले जाऊं क्या प्लस हो जाएगा क्या। अब मैं लिख दूं स्मॉल एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस, सही है। अब यहां से एम कॉमन ले लूं स्मॉल वाला, स्मॉल एम ए प्लस जी इज इक्वल टू टू एम ए, देन एम इज इक्वल टू टू एम ए अपॉन ए प्लस जी। अब देखो आपकी गलती जो होती है बेटा ना, ध्यान से देखो, गलती आपका इस पॉइंट पे होता है, जब आप ऊपर की इक्वेशन बनाते हो तो यहाँ m माइनस एम ए के जगह या तो आप कैपिटल एम ए लिख देते हो या तो स्मॉल एम ए लिख देते हो, और सारा स्टेप आप सही करते हो। कहाँ गलती हुई थी, किस पॉइंट पे, क्या किया था यहाँ पे, कैपिटल एम ए स्मॉल एम ए, क्या ये मास स्मॉल एम ए है, नहीं ये m माइनस एम है। अब समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, बस वही एक ट्रिक है, वो समझ में आ जाए क्वेश्चन खत्म। सर ने बायोलॉजी में केमिस्ट्री अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है आज, हाँ दो तीन टर्न हो गया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब लोग नहीं बताओगे, डरा मत करो पूछने पे, तुम ये सोचा करो कि सर अब मुझसे ही पूछें, बस मैक्सिमम क्या होगा बताएंगे गलत, इससे ज्यादा क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अकबर बादशाह हूँ कि तुरंत पंखे पे लटका दिया गलत बोलते ही, ठीक है गलत आप बताओ जो आपके दिमाग में है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो बेटा, समझाते समय कभी नोट मत किया करो, ठीक है हमेशा। वो बच्ची का पता नहीं चला, नौशिन क्या नाम था उसका, नहीं आ रही है क्यों,
जिससे पूछेंगे वो बताएगा, हर कोई नहीं बोलेगा। दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तुम्हें बताओगे पहले? ठीक, बताओ बेटा। इसमें रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी और दूसरे में रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी? क्यों? गुड, सिंपल बात। रिएक्शन फोर्स होता है और कब वर्क करता है ये? जब बॉडी कांटेक्ट में हो। सेम फ्रिक्शन में भी यही कहानी है। तो फ्रिक्शन पढ़ाने के पहले हमेशा मैं रिएक्शन की बात करता हूं, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन हमेशा रिएक्शन पर डिपेंड होती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस कांटेक्ट में हो और फ्रिक्शन ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है स्मूथ सरफेस, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, सरफेस फ्रिक्शन लेस, ठीक। लेकिन सरफेस यदि कांटेक्ट में है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। चलो बेटा शुरू करते हैं न्यू चैप्टर फ्रिक्शन। और जब तक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना दिया हो, ये सब ना दिया हो, इसमें भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तरह ही सारी चीजें आएंगी, तब तक आप मान के यही चलेंगे कि बॉडी में फ्रिक्शन नहीं है। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा तो फ्रिक्शन होगा। न्यू चैप्टर फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन में कुछ लिखवाने के पहले वही बात मैं लिखवा रहा हूं। पहला, रिएक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। रिएक्शन कैसा होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ पूछने वाला था, आंख से स्लिप हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, अब भी सोचा था पूछूंगा। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया, हो गया ना। अब बताओ बेटा, रिएक्शन हमेशा एमजी पर डिपेंड करता है, ये बात सही है कि गलत है? रिएक्शन हमेशा एमजी पर डिपेंड करता है, ये सही बात है? रिएक्शन हमेशा एमजी के कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, ये सही बात है? रिएक्शन एमजी पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये सही बात है? बताया था टोपा, देखो इधर पीछे का ख्याल रखो बेटे। ये रिएक्शन, ये एम मास है, इसका रिएक्शन क्या होगा? इसमें रिएक्शन होगा एम जी, क्लियर है? दूसरा बेटा, ये मास ऐसे एंगल पे रखा गया है थीटा, यहां रिएक्शन कितना होगा बेटा? ये mg है, रिएक्शन कितना होता है यहां पे? mg cos थीटा। आधे लोग भूल गए हैं बेटा, यहां रिएक्शन होता है mg cos थीटा। बोले सर कोई ऐसा कंडीशन बताया ही नहीं है कि जिसमें रिएक्शन mg पर डिपेंड ही ना करे। बताया है, ये mg और ये फोर्स, यहाँ रिएक्शन इज इक्वल टू फोर्स एम जी पर डिपेंड। ये नहीं बताया था क्या? पक्का बताया होगा, नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया तो आपसे जान लो कि रिएक्शन एम जी पर डिपेंड कर सकता है। नया कॉपी है, पुरानी कॉपी किसकी है? रिएक्शन एम जी पर डिपेंड कर सकता है, एम जी के कंपोनेंट पर डिपेंड कर सकता है, या कभी कभी रिएक्शन एम जी पर डिपेंड नहीं करता। तो मुझे दे दो बेटा कॉपी, पुरानी है तो मैं निकाल लूँगा, बस लेक्चर नहीं छूटा होना चाहिए।
छूटा नहीं है ना, शायद छूटा है। चलो नहीं नोट किया तो ही नोट कर लो यहाँ पे कि रिएक्शन कई बार क्या होता है इस कंडीशन में, जो थर्ड कंडीशन है इसमें रिएक्शन, रिएक्शन का दूसरा नाम नॉर्मल फोर्स, ना डिपेंड ऑन एमजी, ना तो एमजी पे डिपेंड कर रहा है ना तो एमजी के कंपोनेंट पर, नॉट डिपेंड mg or component of mg। क्लियर हो गया? कुछ हिंदी में लिखवाऊं? पहले समझा देता हूँ फिर लिखवाता हूँ। ये तो इतना समझ में आ गया है, नोट कर लिए ना। चलो अब देखो, ये मास है ठीक है, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ है ठीक। जब स्मूथ होगा बेटा तो स्मूथ सरफेस को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्लियर है? इतना पढ़ा है कभी? और दूसरा है बेटा, ये मास M है और ये सरफेस कैसा है? रफ। रफ का मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट। अब देखो, यदि इसमें रिएक्शन होगा, हाँ कांटेक्ट में है mg तो लगेगा ही लगेगा, रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा। क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है। और यहाँ पे क्या mg रिएक्शन लगेगा? लगेगा। क्या फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन अकेले नहीं हो सकता है, फ्रिक्शन होगा तो रिएक्शन तो पक्का होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो तो फ्रिक्शन हो। समझ में आ गया? ये दोनों बना लो कंडीशन बेटा। यहां पे रिएक्शन नॉन जीरो, फ्रिक्शन जीरो, यहां रिएक्शन नॉन जीरो और फ्रिक्शन आल्सो नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? इसको नोट पॉइंट में लिखवाता हूं बेटा। ये नोट पॉइंट में नोट करना, नोट कर लो यहां पे NOTE नोट। बोले सर नोट करेंगे नहीं, बटवा दीजिए, आने दो ज्यादा बटवा देंगे ठीक। हो गया बेटा? लिखो नोट पॉइंट में, ये बना लिया? बना लिए? लिखो, अगर सरफेस
कॉन्टैक्ट में है तो रिएक्शन होगा ही होगा, फ्रिक्शन हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है बेटा। फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड होगा? सरफेस की नेचर पर। सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रिक्शन अकेले नहीं हो सकता है लेकिन रिएक्शन अकेले हो सकता है? अब कह देंगे इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट रिएक्शन ऑलवेज प्रेजेंट, सही है? इफ रिएक्शन प्रेजेंट फ्रिक्शन ऑलवेज प्रेजेंट, सही नहीं है तो लिख लो दोनों स्टेटमेंट। इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट रिएक्शन ऑलवेज प्रेजेंट, स्टेटमेंट कैसा है? राइट है तो आगे टिक कर दो, सही है। दूसरा लिखो इफ रिएक्शन प्रेजेंट फ्रिक्शन ऑलवेज प्रेजेंट, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो ये वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, रॉन्ग, ठीक है? दूसरा क्या है, रिएक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन होगा, ये होगा गलत, ठीक है? अब देखो बेटा यहां पे ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फोर्स है कि नहीं फ्रिक्शन? मर गए, कह भी रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्स तब भी कह रहे हैं फोर्स है कि नहीं, रिएक्शन फोर्स है कि नहीं? रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स या रिएक्शन इज अ नॉर्मल फोर्स? फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब रिएक्शन भी फोर्स है और फ्रिक्शन भी फोर्स है। रिएक्शन की वैल्यू हमेशा न्यूटन में आती थी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी किस में आएगी? न्यूटन में ही आएगी। फ्रिक्शन का कभी बेटा आपको डायमेंशन पूछ दे तुरंत ML T-2। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? म्यू आर या फिर म्यू एम। तो क्या फ्रिक्शन हमेशा रिएक्शन पे डिपेंड करती है? ऑलवेज। ये म्यू क्या है? म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कहीं के रिएक्शन फोर्स लिखता है R या फिर कहीं कहीं R को लिखता है नॉर्मल फोर्स। अब देखो जो फ्रिक्शन के टाइप हैं वो आपको पढ़ाते हैं।
फर्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का दूसरा नाम होता है बेटा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड स्टैटिक फ्रिक्शन, थर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड फोर्थ रोलिंग फ्रिक्शन। इस चैप्टर में बेटा आप ये तीनों पढ़ोगे। बोले सर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं यहाँ नहीं। रोलिंग कहाँ आएगा? रोटेटरी मोशन में। तो हम रोलिंग कहाँ पढ़ेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन रोटेटरी मोशन में, ठीक है। इसके थोड़े से म्यू के उके बता दूंगा मैं, म्यू आर, इतने हमें फ्रिक्शन पढ़ना है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब बेटा कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, थैंक यू।